हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करवा चौथ पे बिकने वाली मठरी। और ये मठरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है और साथ ही में ऐड करेंगे पिघला कर देसी घी। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी पिघला के लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे सूजी। मैंने यहाँ पर सूजी भिगो के लिया है, ये 2 चम्मच है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें डो बनाना है, लेकिन अभी हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम गुनगुना पानी से डो बनाएंगे। और यहाँ पर पानी बिल्कुल कम लगेगा, 3 से 4 चम्मच ही पानी लगेगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डो बना के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और बाकी का तैयारी कर लेते हैं। तब तक आटा हमारा तब तक सेट हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा कटोरी पानी डाला है कढ़ाई के अंदर। अब हम ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है, आधा कटोरी पानी, इससे हम चाशनी बनाएंगे। और चाशनी हम कोई तार वाला नहीं बनाएंगे, बस अच्छा से हम खौला लेंगे चीनी और पानी को। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और बस खौला लेंगे, बस हमारा चाशनी बनके रेडी हो जाएगा। 10 मिनट बीत चुका है, अब आटा हमारा बहुत अच्छा से सेट हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम मठरी बनाएंगे। इसके लिए हम ट्रांसफ़र कर लेंगे चकले के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर मसाला लेते हैं। और आप देख सकते हैं मसाले के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4-5 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, चाकू की मदद से कट कर लेते हैं और लोई बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4-5 टुकड़े में डिवाइड कर लिया है, और छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे लोई कट किया है, और मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। और घर के बना रहे हैं तो आप कोई सा भी शेप में बना सकते हैं, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से अपने पसंद से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बेल के रेडी करेंगे और इसका वेट थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बेल के रेडी कर लिया है, इसका वेट देख सकते हैं कितना मैंने मोटा रखा है। और यहाँ पर मैंने सारे बेल के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रोटी के ऊपर छेद कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से करने से फूलता नहीं है और बहुत क्रिस्पी और करारी बनता है मठरी। और ऐसा ही हम सारे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे रोटी के ऊपर छेद कर दिया है। और चलिए इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए पैन रख दिया है गैस पर, इसमें ऑयल डाल दिया था पहले से ही, ऑयल गर्म हो गया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही फ्राई करेंगे और जितना आ जाएगा पैन के अंदर उतना हम डाल देंगे रोटी को उठाकर। और लटते पलटते हुए अच्छे से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक तरफ हो गया है और हम पलट लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाएंगे, आप हर करवा चौथ पे ऐसे ही बनाएंगे और खाएंगे। करवा चौथ के आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। घर का बना हुआ चीज़ तो बहुत हेल्दी होता ही है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और जो सेकेंड वेज बचा है उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चाशनी के अंदर हम डाल देते हैं, गरम गरम चाशनी है उसके अंदर हम डाल के अलटते पलटते हुए अच्छे से इसे हम डीप करेंगे। ऐसा करने से बहुत अच्छा ये अंदर तक चाशनी पीता है और बहुत टेस्टी और स्वीट लगता है। और यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें रखना है कढ़ाई के अंदर, और ज़्यादा समय तक हम रखेंगे तो ये नरम पड़ सकता है, इसीलिए हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे अलट पलट के निकाल लेंगे इसके अंदर से, कढ़ाई के अंदर से। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मार्केट से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म सर्व करूँगी, आप चाहे तो ठंडा या गर्म खा सकते हैं, हर समय में ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का टेक्स्चर, देखिए बहुत क्रिस्पी है, यकीन मानिए बहुत गर्म है इसलिए मैं छू नहीं पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करवा चौथ पे बिकने वाली मठरी। और ये मठरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी।